भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका द्वारा बनाए जा रहे कम्युनिटी किचन में भोजन को लेकर भिवंडी शहर में काफी विरोध किया जा रहा है, तो वहीं पर आज हम आपको दृश्य दर्शाने को ले चलते हैं भिवंडी के प्रभाग समिति 3 में, जहां पर रोजाना 13,000 से भी अधिक मजदूरों को तरह तरह के भोजन प्रभाग समिति 3 के सहायक आयुक्त सुधाम यादव के नेतृत्व में वितरण किया जाता है। हम आपको बता दें कि पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है और भिवंडी शहर में मजदूरों की संख्या ज्यादातर है। ऐसे में शासन प्रशासन ने इसको लेकर काफी ठोस कदम उठाया, जहां भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका द्वारा जानकारी के अनुसार भिवंडी शहर में 40,000 से 45,000 रोजाना कम्युनिटी किचन के माध्यम से जरूरतमंद मजदूरों को भोजन वितरण कर रही है। तो वहीं पर प्रभाग समिति 3 में आपको बता दें कि 13,000 रोजाना मजदूरों को पेट भरने का कार्य यहां से की जाती है, जहां पर आप देख सकते हैं कि कम्युनिटी किचन में वहां पर स्वतः प्रभाग समिति 3 के सहायक आयुक्त सुधाम यादव वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने पूरी जानकारी दी हमारे चैनल के संवाददाता को कि आज वहां पर जो खिचड़ी बनाई जाती है उस खिचड़ी को लेकर काफ़ी लोग जो हैं उसका विरोध कर रहे हैं कि जो वैरायटी मिलनी चाहिए, जो टेस्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। ऐसे में सुधाम यादव से बातचीत की गई तो उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि रोजाना यहाँ पर तरह तरह के वैरायटी बनाए जाते हैं, कभी पुलाव, कभी खिचड़ी, तो कभी भाजी चावल। ऐसे में हमारे चैनल से वार्तालाप करते हुए पूरी जानकारी दी सुधाम यादव ने। ये जो दृश्य दर्शा रहे हैं भिवंडी के प्रभाग समिति 3 रेमाताई शादी का जो हॉल है वहाँ पर कम्युनिटी किचन बनाया गया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर तरह तरह के भाजियों को काटा जा रहा है। महानगर पालिका के प्रभाग समिति 3 के सभी अधिकारी कर्मचारी वहां पर उपस्थित थे। हमारे चैनल से वार्तालाप करते हुए पूरी जानकारी सुधाम यादव, जो कि प्रभाग समिति 3 के सहायक आयुक्त हैं, उन्होंने दी और क्या कहा, देखिए विशेष एपिसोड को। प्रभाग समिति 3 के अंतर्गत अपन जितने बेघर या समझो रोजनदारी लोग जो है, समझो गौर गरीब लोग, उनके लिए अपन हमेशा के लिए खाना आज अलग बना है, क्योंकि रोज़ रोज़ खिचड़ी पुलावा रोज़ देते थे, लेकिन आज हमने सोचा है और माननीय महापौर साहब ने भी हमको आदेश और माननीय आयुक्त साहब का भी आदेश है कि थोड़ा अलग ढंग से उनको खाना देना, तो आज हम थोड़ा अलग ढंग से उनको खाना देने की कोशिश कर रहे हैं महानगर पालिका के माध्यम से। कितने लोगों का रोजाना खाना बनता है और कितने लोगों तक पहुँचाया जाता है? हमारे अंदर टोटल 13,000 लोगों का खाना बनता है, सुबह 6,500 और शाम में 6,500 लोगों के लिए। क्या लगता है इतने लोगों में मजदूरों का पूरा हो जाता है, जरूरतमंद लोगों को वितरण करते हैं या फिर अभी जो जरूरतमंद लोग हैं ना, उनके लिए पहला प्राधान्य दिया जाता है और सम्माननीय नगर सेवक के माध्यम से भी पूरा लोगों को हमने जो जरूरतमंद है उनके लिए पहले उनको खाना देने की कोशिश करते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ, तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जनता की आवाज टीवी न्यूज़, धन्यवाद।